राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत शुक्रवार के दिन बागली तहसील मुख्यालय पर कृषि मंडी परिसर में विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान खंड चिकित्सा अधिकारी हेमंत पटेल, विधायक प्रतिनिधि कमल यादव, SDM आनंद मालवीय की उपस्थिति में मेले का आयोजन किया गया। विकास खंड चिकित्सा अधिकारी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्वास्थ्य मेले के माध्यम से लगभग 1956 हितग्राहियों का उपचार किया गया, साथ ही आयुष्मान कार्ड के बारे में भी जानकारी दी गई एवं नए कार्ड भी बनाए गए। इस दौरान निक्षय मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत निक्षय पोषण आहार किट का वितरण किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति में मेले का आयोजन किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मध्य प्रशासन एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार 17 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आयुष्मान भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में। इसके अंतर्गत आज वही आयुष्मान भव कार्यक्रम की श्रृंखला में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागली में आयुष्मान मेला आयोजित किया गया, जिसमें करीब 956 मरीजों का उपचार किया गया एवं 125 मरीजों की आब आईडी बनाई गई है। आयुष्मान भव मेले का उद्देश्य ये है कि हमें हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो गरीब व्यक्ति तक पहुंचना है और उस तक स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध कराना है। इसीलिए हमने इस प्रकार के मेले का आयोजन मध्य प्रदेश शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पर किया गया है और आयुष्मान डिजिटल भव एक योजना है, उस योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति का आभा आईडी बनाना है। जिस प्रकार से हमारा आधार कार्ड है, उसी प्रकार हेल्थ का आधार कार्ड आभा आईडी होगा और इसमें हेल्थ के बारे में सभी जानकारी उसमें दर्शाई जाएगी। तो आभा आईडी हमें हर उस व्यक्ति की बननी है जो इस जिले में निवास करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।